याद करो यार। निजा जी आज आज आप यहाँ कैसे पहुँचे? अरे यार आप लोग कहीं तो रुका करो, अब मुझे घर का कॉफी भी करने दो है, मुझे भी गृहस्थी चलानी है। अब चाहते क्या हुआ फिर? नहीं आज 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 क्या चल चल कह रहा है आज? ये क्योंकि आज कोई बात नहीं कर रही। नहीं आज क्या टमाटर लेने यार, और क्या करना है? क्या रेट चल रहा है टमाटर? मुझे बताए ना आप लेने आए ना? पूछिए ना। नहीं आप बताए ना आप बीजेपी के आईटी सेल से पूछो, वो तो 10 रुपए किलो बेच रहा है, कहीं कहीं 20 रुपए किलो बेच रहा है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये गलत बात है, ये आप मुझे घर चलाना है, सब्जी लेने आया हूँ और लेने दो, सस्ते हैं टमाटर। कैसे हैं? कैसे है सस्ते हैं? 150 रुपया किलो टमाटर है। क्या हो गया? इतनी बड़ी पार्टी के खर्चे होते हैं सबसे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे मुल्क में और पूरे भारत में। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और वो कहते हैं सब ठीक है, कोई महंगाई नहीं है आपको। और आज मैं भी आया था यहाँ पे, देख लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है जी, टमाटर से सस्ता फ्रूट नहीं है यार। मुझे ये बताइए आप मेरे से क्यों पीछे पड़े हुए हैं? मैं मुझे सब्जी खरीदने दोगे कि नहीं? ठीक है जी, मणि जी आप देखिए मुझे सब्जी खरीदने दो, क्या मैं अपने घर के लिए सब्जी नहीं ले सकते हैं? लेकिन टमाटर महंगाई बात की जा रही है ना, महंगाई दर महंगाई लोग बोल रहे हैं महंगाई। भाई अब चुनाव आ रहे हैं 4 रियासतों में, ठीक है, पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या उनको अपना खर्चा पूरा नहीं करना है? देखिए अगर ये पहले आप कहते हैं 20 रुपए किलो थे, 10 रुपए किलो जी, 10 रुपए किलो थे, 20 रुपए किलो थे, अगर 100% भी हो तो 40 रुपए किलो होते हैं। और अगर अभी कितने परसेंट हो गए कि 160 रुपए किलो है? उधर का भी बाप पूछो, यानी कि 200% इसका रेट बढ़ चुका है अभी। मुझे लगता है आप मुझे सब्जी नहीं खरीदने दोगे, आप चलिए। नहीं 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 बताइए ना, मुझे सब्जी खरीदनी है, मुझे खरीदनी है, अब क्यों नहीं खरीदने? बताए तो महंगा तो सुनील डिंपल का कसूर है। नहीं डिंपल जी आप वैसे भी बोलते रहते हैं ना सरकार। चलिए 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 आगे चलिए आगे चलिए। नहीं बताइए ना, बताइए ना आप मुझे मत इन पचड़ों में डालिए यार। नहीं आप बताइए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कहीं महंगाई है ही नहीं, महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। महंगाई अगर महंगाई नहीं है तो ये कैसे बिक रहे हैं 160 रुपए किलो, और वो भी सड़े हुए टमाटर छोटे छोटे से दाने। ये देखो बहनें भी खरीदने आई हैं, हैं, और अब मुझे बताओ आज तो टमाटर लेने आए हो, क्या रेट लगा के थोक? 160 रुपए महंगे है, ले सक ले ले कुछ नहीं। अच्छा दूसरी बात सुन, अब सबसे बड़ी बात अब आपने मुझे घेर ही लिया। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। तो अब मैं बता दूं आपको कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा करना है कि नहीं, और वो कैसे करेंगे? 4 रियासतों में चुनाव लड़ने हैं और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने हैं, और कितने परसेंट हो गए ये टमाटर महंगे, सब्जियां महंगे, कोई सब्जी नहीं आप ले पा रहे। आप ये देखिए कि सारे लोग परेशान हैं, आपने महिलाओं के भी ले लिए, तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आप देखिए एक गरीब आदमी के घरों में आपने, आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा फायदा होया जी जम्मू के लोगों की, क्या फायदा होया? साढ़े ऊपर जमीन साड़ियाँ बेची हुई हैं, प्रॉपर्टी टैक्स सानू लगी है, स्मार्ट मीटर सानू लगी है, रीचार्ज वाले मीटर साढ़े ऊपर लाई ओड़े, और एडे एडे बिजली के किराए के बिल आ रहे, जमीन साड़ियाँ खाली करिए। मैं जम्मू वाले की अजय भी पूछना कि, और लोगों का यह आरोप है कि जिन्हें भी बड़े बड़े आड़ती हैं वो सरकार कने मिले दे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, मिले क्या हुए, हम सीधा बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो फिर आपको जाहिर है कि ये कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी आलू महंगा हो जाता है, भाई टमाटर महंगा हो गया तो आपको हैरानगी क्यों हो रही है? नहीं टमाटर से सस्ता तो फ्रूट मिल रहा है ना डिंपल जी, आप टमाटर छोड़ के फ्रूट खाना शुरू हो जाए। देखिए आप देखिए ये सारे कितने परेशान लोग हैं, मायूस हो गए। नहीं दुकानदार को तो माल बेचना है, लेकिन जो आम इंसान जो खरीदने आता है उसको तो दिक्कत है ना जी। बिल्कुल दिक्कत है मैं मान रहा हूँ, और आप लोग पत्रकार लोग मुझे घेर लेते हो हर जगह आके, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कृपया करके